नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग इंडिया में। मैं हूँ शिवांगी और मेरे साथ है सत्यप्रिया। थैंक यू शिवांगी। शिवांगी, जैसा हम जानते हैं, जब भी हम किसी बड़े से आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आयुष्मान भव। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अच्छी सेहत लंबी आयु के साथ साथ कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, और कहा भी जाता है सत्यप्रिया, पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि अगर आप निरोगी रहेंगे आप खुश रहेंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा आपकी ज़िंदगी में। और निरोगी रहने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, अच्छा खान पान, अच्छा व्यायाम, और उसके साथ ही साथ एक बेहतरीन दिनचर्या। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो चिकित्सा की कई सारी पद्धतियां हैं, चाहे हम एलोपैथी की बात करें या फिर अगर हम ट्रेडिशनल या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करें, चाहे जैसे आयुर्वेद है या फिर होम्योपैथी। और क्योंकि अब हमने होम्योपैथी का जिक्र किया ही है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब जो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं वो हैं होम्योपैथी के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव सिंह चावला। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक छोटा सा वीडियो जो हमने बनाया हुआ है, हम चाहेंगे कि आपकी पूरी जर्नी को एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा दें। डॉक्टर चावला, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी का जो उसके पीछे का फ़लसफ़ा है, जो डॉक्टरीन है, जो फिलॉसफी है, वो क्या है? होम्योपैथी का फ़लसफ़ा, फिलॉसफी उसके नाम से शुरू आ जाती है। वेरी क्लियरली मेंशन होमियो और पोथोस। अब होमियो का मतलब इसमें बेसिक सिद्धांत है, लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, ये इसकी बेसिक सी फिलॉसफी है। नॉट अपोजिट्स और नॉट एनीथिंग। होम्योपैथी फिलॉसफी ये कहती है कोई भी ड्रग जो दुनिया में बनी है, दवाई, वो तब तक क्योर नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर उस चीज़ को, रोग को पैदा करने की शक्ति ना हो। अच्छा, जो होम्योपैथी का इन्वेंशन है, आज बहुत सारे लोग होम्योपैथी को लेकर डाउट में रहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो हमारे मॉडर्न साइंस वाले रहते हैं। तो मैं ये उन सब की नॉलेज के लिए डालना चाहूँगा कि होम्योपैथी का इन्वेंशन एक उस ज़माने के बहुत फेमस हमारे एलोपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमैन, जो जर्मनी में हुए हैं। तो उस टाइम वो अपनी कहीं प्रैक्टिस, वो कुछ बुक ट्रांसलेट कर रहे थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे एलोपैथी के सिद्धांतों से। उन्हें समझ नहीं आता था कि किसी का एसिड नेचर किसी बैक्टीरिया को मार रहा है तो डिजीज़ क्योर हो जाएगा। वो कहते थे नहीं, देर इज़ सम सीक्रेट बिहाइंड समथिंग, जो कुछ हमारी साइंस मिस कर रही है। उसी को खोजते खोजते तो होम्योपैथी की जो बेसिक कहानी शुरू होती है वो सिनकोना बार्क से होती है, जिसको हम कुनीन कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। सो कुनीन उस जमाने में एक सिनकोना बाग का ट्री हुआ करता था, उससे बनती थी। तो उनको दिमाग में नहीं लॉजिक आया कि ये इतनी बिटर है कि ये मलेरिया के पैथोजन को मारती है, इसीलिए ये कुनीन मलेरिया को क्योर करती है। तो उनको कहीं डाइजेस्ट नहीं होती थी ये बात। उन्होंने उसकी प्रूविंग करनी शुरू करी। उन्होंने प्रूविंग के अंदर उन्होंने उस सिनकोना बाग को खाना शुरू किया। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने क्या देखा कि उनको सारे मलेरिया लाइक सिम्टम आने शुरू हो गए हैं। उनको बुखार भी आने लग गया, उनको जाड़ा भी आने लग गया, उनको सारे साइकिल्स जो मलेरिया में होती हैं उनको मिलने शुरू हो गई। तो यहाँ से एक होम्योपैथी के लिए कहते हैं ना, वो एप्पल इज़ फॉर न्यूटन एंड सिनकोना बार्क इज़ फॉर होम्योपैथी, डॉक्टर हैनीमैन के लिए थी। तो यहाँ से होम्योपैथी का एक नया सिद्धांत निकला, एक नई सोच आई कि ये जब कोई भी ड्रग सब्सटेंस के अंदर एक हिडन पावर है कि वो मलेरिया के लिए ही कुदरत ने दी है, वो उसको बनाया है कुदरत ने, उसको सामने लेके आना। फिर उनके लिए एक नया सब्जेक्ट मिल गया। जब ये मिल गया तो फिर तो उनके पास कोई एंड नहीं था। तब उन्होंने दुनिया में बहुत सारी हर्ब्स जो ऑलरेडी मेंशन थी, नेचर को ही मेन मुद्दा रखा, जो नेचर में चीज़ें अवेलेबल हैं, किसी केमिकल्स को उन्होंने कास्ट नहीं किया, जो नेचुरल अवेलेबल चीज़ें हैं, सिर्फ उन पर उन्होंने ड्रग प्रूविंग्स करनी शुरू करी। इसलिए होम्योपैथी बहुत साइंटिफिक है। जो रिसर्च हमारी और पद्धतियों में होती है उसमें एनिमल्स के ऊपर या लैब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जोर दिया जाता है।
यहाँ कोई भी ड्रग्स, आज भी जो नई ड्रग प्रूविंग होती है वो सेम एनिमल फिलॉसफी पे होती है कि जिसमें एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स को ड्रग सब्सटेंस दिया जाता है, उसके सिम्टम नोट किए जाते हैं, उसको क्या क्या चेंजेस आए, फिर उन्हीं चेंजेस के ऊपर जब कोई पेशेंट आपके पास मिलता है तो जब वो दवाई देते हैं तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है. इसीलिए इसको बोलते हैं लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, लाइक्स नॉट सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर वर्ड यूज किया नॉट सेम. अब पॉइजन को आर्सेनिक पॉइजन किसी को हो गया तो उसको आर्सेनिक नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे वो तो बढ़ जाएगा. हाँ. तो ऐसे और पॉइजन ढूंढेंगे जिनके सिमिलर सिम्टम है आर्सेनिक जैसे, तो जब उनको अप्लाई करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा पेशेंट. तो ये बेसिक फलसफा है होम्योपैथिक थ्योरी का. लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स के साथ जैसे देखा जाता है एलोपैथी से तो बहुत डिफरेंट है. एलोपैथी के रिजल्ट्स ऐसा बताया जाता है बहुत जल्दी आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसी धारणाएं भी है कि होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है. हालांकि उनके रिजल्ट हैं, रिलायबल हैं और हमेशा रहते हैं, लेकिन जब बात आती है सर बड़ी बीमारियों की, जैसे अगर कैंसर की बात करें या हार्ट में एलिमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, एलोपैथी की तरफ ही जाते हैं. तो ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा ऐसे अवेयरनेस, मीडिया अवेयरनेस, गवर्नमेंट की अवेयरनेस, रिसर्च पेपर्स बहुत सारे, और एक सिस्टम इस्टेब्लिश है. आज हॉस्पिटल्स ढूंढिए, आपको होम्योपैथी के हॉस्पिटल बड़े कम नज़र आएंगे, होम्योपैथी के क्लिनिक्स नज़र आएंगे आपको. तो कहीं ना कहीं अब जैसे हमारी भारत सरकार आज की डेट में सपोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर होने वाला है कि हर सेंटर के अंदर, अभी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि हर मेडिकल बॉडी के अंदर जो भी इस्टेब्लिश हॉस्पिटल हैं वहाँ एक होम्योपैथिक विंग, आयुर्वेदिक विंग, कोई भी विंग, जितने भी थेरेपीज हैं, क्योंकि हर पैथी कुछ ना कुछ अपने आप के लिए काम कर रही है. और पेशेंट को क्योर करने में सबका बहुत बड़ा रोल है. और जहाँ तक होम्योपैथी की आप बात करते हैं, वर्ल्ड की नंबर टू साइंस है. आज पूरे वर्ल्ड में अगर एलोपैथी के बाद कोई जानता है, कोई इलाज के लिए सबसे पहले जाता है तो वो होम्योपैथी की तरफ जाता है. और उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है, एकमात्र ऐसी पद्धति है, मेरे फादर उसको कहा करते थे जस्ट लाइक अ मदर्स मिल्क. इसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता. वही मैं कहने वाली थी, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता. दैट इज द मोस्ट एडवांटेज. और बड़ी से बड़ी बीमारी में चाहे सालों साल भी दवाई खानी पड़े, आपको कोई ड्रग पॉइजनिंग या कोई इससे रिलेटेड चीज नहीं होने वाली, बिकॉज होम्योपैथी में हम कोई क्वांटिटी कंज्यूम ही नहीं करते हैं. तो ये भी एक होम्योपैथी का फलसफा है, जो एक बेसिक थ्योरी के साथ, कि कैसे किसी चीज़ के अंदर एक लेटेंट एनर्जी होती है जी, उसको बाहर निकाल के उसको यूज़ किया जाता है क्योर के लिए जी, वो डॉक्टर चावला, अभी अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया जिन्होंने इस क्षेत्र में भी बहुत काम किया, और आज आप उनके नाम से एक चैरिटेबल संस्थान भी चलाते हैं जो मुफ्त में इलाज भी करता है. हमारे पास इसके बारे में एक वीडियो है, सबसे पहले दर्शकों को वो दिखाते हैं और फिर इसके बारे में आपसे भी जानेंगे. डॉक्टरों के प्रति हम सब के मन में आदर और सम्मान होता है. कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से समाज में बदलाव लाने का काम किया है. होम्योपैथ के एक ऐसे ही अनुभवी चिकित्सक हैं डॉक्टर लाल सिंह. होम्योपैथ को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ डॉक्टर लाल शिक्षा, स्वास्थ्य और दिव्यांग जनों को उचित मकाम देने के मकसद से वर्षों से प्रयास कर रहे हैं. भारत में आज भी इलाज का बोझ उठा पाना समाज के बड़े वर्ग के लिए मुश्किल है. इसी परेशानी को कम करने के मकसद से डॉक्टर लाल लोगों को होम्योपैथ की खूबियों से रूबरू कराने का काम कर रहे हैं. समाज के कमजोर तबके के लोगों को कम खर्च पर उचित इलाज मुहैया कराने में डॉक्टर लाल ने जो पहल की है वो अनुपम है. वो अनपढ़ बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी कई प्रयास कर रहे हैं. दिव्यांगों को भी उनका हक दिलाने के लिए डॉक्टर लाल हर संभव कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि समाज में रहने वाले लोग ही छोटी छोटी कोशिशों से बदलाव ला सकते हैं. डॉक्टर चावला, आपके पिताजी द्वारा चलाई गई ये मुहिम जिसका हिस्सा आप भी हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या इसके पीछे सोच थी? इसके पीछे सोच एक ही थी, अभी जो आपने सुना मैसेज, कि हर आदमी, हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे पिताजी कहते थे समाज में बदलाव लाना है, हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. लोग आके पूछते हैं कैसे जुड़े, मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या आता है. एक लेडी घर में आती है, कहती है जी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ. तो बनाओ भाई अच्छा खाना, बड़े भूखों को ज़रूरत है जी. तो हर कोई आदमी, मुझे डॉक्टरी आती है तो मैं अपनी मेडिकल साइंस के थ्रू जाऊँ, जिसको कोई चीज़ इन्वेंशन करनी आती है वो प्रोडक्ट उस तरह का बना के उनकी हेल्प करे. तो जन जन तक पहुँचाना और अपने काम को, अपने काम के जरिए जन जन तक पहुँचना और देखना कि इस काम के जरिए मैं कितनों की हेल्प कर सकता हूँ.
अगर हर आदमी इस चेन में जुड़ता चला जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे की जिम्मेवारी जब समझने लगेंगे और अपने काम के ज़रिए जो हमें आता है, कुछ भी हमें आता है, चैरिटी के लिए कुछ नई चीज़ नहीं चाहिए, जो भी हमें आता है जब हम उसको दूसरों के साथ बांटना शुरू कर देंगे तो बड़े अच्छे से सबका उद्धार हो जाएगा। तो इस मिशन के साथ डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन शुरू हुआ था। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है आज की डेट में कि पिछले 12 मार्च को डॉक्टर लाल सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे सर पे छोड़ गए हैं, तो हमने उसको निभाना है और उनके मिशन को पूरा करना है। जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं। यकीनन डॉक्टर चावला, फिलहाल तो यही कहेंगे कि आपका जो परिवार है, अगर उनका सफर देखें होम्योपैथी के क्षेत्र में, तो आधे दशक से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। आपको तो परिवार में ही वो माहौल मिला है कि आप ये सब कुछ सीखते रहे हैं। ऐसे में आपने बहुत देखा होगा, बहुत बारीकी से देखा होगा कि होम्योपैथी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, काफी चीजें बदली हैं। तो पिछले 50 सालों में आपने वो क्या क्या बदलाव देखे हैं, तब की होम्योपैथी में और आज में कितना अंतर आ चुका है? आज और पुराने ज़माने में अगर देखो, होम्योपैथी आज की डेट में अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरिकुलम लेके चलता है, जो BHMS, MD, इवन PhD तक लेवल की एजुकेशन आ गई है जी। जो कहाँ पहले लोग जब होम्योपैथी की स्टार्ट हुई थी, दो दो चार चार महीने, छः छः महीने के कोर्स करके प्रैक्टिस करते थे। सो वहाँ से कहीं होम्योपैथी का वो एक डाउनफॉल स्टेज भी था। आज का होम्योपैथ जो है किसी भी डॉक्टर से कम नहीं है। आप अगर मिलाएंगे तो स्टडीज़ हमारी बिल्कुल सेम है, जो सेम एलोपैथिक पैटर्न के पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। रादर एडिशनल होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स ऊपर से अलग हैं। तो आज एक डॉक्टर होम्योपैथी का 6.5 साल में एक कामयाब डॉक्टर बन के कॉलेज से तैयार होकर निकलता है। तो 6.5 साल की एक बेसिक मशक्क़त के बाद उसको ग्रेजुएशन मिलती है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद फिर 2 साल की MD लोग करते हैं, उसके बाद फिर PhD तक अवेलेबल है। तो जहाँ ये एजुकेशन का साथ जब से मिला है साथ में, और हमारी सरकार की जो मंशा रही है, उन्होंने इस सिस्टम को इतना बढ़ाया है, तो आज होम्योपैथी इट नॉट लेस देन एनी अदर पैथी। आज पेशेंट उतने ही कॉन्फिडेंट से जाता है जैसे वो किसी मेडिसिन कंसल्टेंट के पास जाता है जी। तो जब वो जाता है तो आज का होम्योपैथ उससे ठीक है। वो सवाल होम्योपैथी में कुछ ज़रूरी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जानने के लिए या कुछ करने के लिए उनके आव भाव, उनका रहन सहन जानना ज़रूरी होता है, बट वो सबसे पहले उनके उसकी डिजीज़ के बारे में समझाता है कि आपको है क्या, और पेशेंट को कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मेरे डॉक्टर को तो मेरी डिजीज़ के बारे में सब कुछ मालूम है। उसके क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस की बात होती है, उसके टेस्ट देखे जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सिर्फ दवाई दे दी और काम हो गया, और उसको बार बार फॉलोअप के लिए जब बुलाते हैं, आप उसको लैब टेस्ट से कन्फर्म कराते हो दोबारा, ये नहीं कि सालों साल दवाई खाए चले जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। सो आज का होम्योपैथ बहुत एजुकेटेड है और बड़े अच्छे से, बड़ी सफलता से अपने सारे पेशेंट्स को बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं जी। और काफ़ी होम्योपैथी में बहुत एडवांसमेंट है। जहाँ तक आप समय लेने की बात कर रहे थे, ऐसा है नहीं होम्योपैथी में। मैंने तो 30 साल की प्रैक्टिस में नहीं देखा कि टाइम लगता है जी। यस, क्रॉनिक डिजीज़ है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और लंबी लंबी डिजीज है, जिन्होंने सारी उम्र पेन किलर्स पे गुजारना है, उनसे अच्छा तो होम्योपैथी है। बिल्कुल, कम से कम आप कुछ क्योर करते चले जा रहे हैं, डिजीज और साइड इफेक्ट्स भी नहीं, नो साइड इफेक्ट्स है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कहा कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, ये हम जानते हैं कि होम्योपैथी में एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर जो है, जो आप मेडिसिन है, रेमेडी है, वो सजेस्ट करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा भी देखा गया है कि ओवर द काउंटर बहुत सारे ड्रग्स मिल जाते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल उस फेवर में नहीं हूँ। आप जहाँ तक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की आप बात करेंगे, तो देखिए वो आजकल वो आधार कार्ड भी हमारे बनते हैं ना, सबके अंदर कहते हैं नो टू मैन आर अलाइक, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिलने वाले हैं। बस यही फिलॉसफी है हमारे पास भी कि एक जैसे दो आदमी नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होगी। सो एक दवाई जो एक पे काम करती है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी बीमारी में भी वैसे ही काम करेगी जी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक दवाई ए दे दी तो वो सब बीमारियों में, वो उसकी कोई भी साइनस का पेशेंट आएगा तो मैं उसको दे दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। जबकि आजकल ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा करना भी नहीं है। मैं हमारे जितने श्रोता हमें सब देख रहे हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसी प्रैक्टिस मत कीजिए, अपने आप ओवर द काउंटर ड्रग्स को मत लीजिए। ये जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आ जाती हैं कि फलां दवाई ले लीजिए हाइट बढ़ जाएगी, फलां दवाई ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। होम्योपैथी की जहाँ तक बात है, एलोपैथी में हो सकता है कि एक एस्पिरिन की गोली खा ली तो सब कुछ हो जाएगा, बट वो भी खैर एडवाइस यही होता है कि फिजिशियन से बिना मिले मत खाएं। बिल्कुल। तो होम्योपैथी में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है,
ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं आने चाहिए, और आते भी हैं तो वो डॉक्टर की देखरेख में यूज़ होने चाहिए. इट इज़ नॉट कि कोई पेशेंट गया और उसने अपने आप ले लिया, ऐसा नहीं करें. तो उससे होम्योपैथी का आपको इलाज का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जी. तो कई बार होम्योपैथी पे इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाया जाता है या धारणा होती है लोगों की कि होम्योपैथी में तो सिर्फ मीठी मीठी गोलियां मिलती हैं, तो प्लेसिबोज होते हैं ज़्यादातर और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पे काम करते हैं. तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? अब अगर इतने साल हो गए, आज 1750 से शुरू हो रखी है और इतने सालों से कोई साइंस एग्जिस्ट कर रही है और वर्ल्ड की नंबर टू साइंस है, तो ये इल्ज़ाम तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है. और जहाँ तक प्लेसिबो इफेक्ट की बात होती है, एक थ्योरी है कि प्लेसिबो इफेक्ट से कोई हारमोनियस हार्मोन रिलीज होते हैं और उससे आदमी ठीक हो जाता है. लेकिन ये थ्योरी अगर सिर्फ ह्यूमंस तक रहती तो ठीक था. होम्योपैथी तो वेटनरी साइंस के अंदर वंडर्स कर रही है. अब वेटनरी साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कैसे आ जाएंगे? अब आप एनिमल को तो नहीं समझा सकते कि वो आपकी बातों में आ जाएगा और उसको एक प्लेसिबो इफेक्ट आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा. सो ऑर्गेनिक डिजीजेज में नहीं आ सकते. अब आप सबसे ज़्यादा देखिए, लेडीज़ को प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड यूट्रस की. अब अल्ट्रासाउंड डेली हर फीमेल करा रही होती है, 6 महीने के इलाज के अंदर उसके इतने बड़े फाइब्रॉइड, सेंटीमीटर्स के फाइब्रॉइड्स हैं, वो गायब हो जाते हैं, स्टोन्स गायब हो जाते हैं. तो उसमें प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करेगा? तो वो टेस्ट प्रूवन है अपने आप में. तो ऐसा कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होता, वो आज की डेट में धारणा रही नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आजकल सारे लोग इन्वेस्टिगेशंस का सहारा लेते हैं, पेशेंट को सपोर्ट मिलती है. सो ये उन्हीं के पास ही है धारणा जो अभी तक गए नहीं है होम्योपैथी में. जो आज के होम्योपैथ के पास जाते हैं उसको ये धारणा नहीं आएगी. धारणा तो सर, जैसे अभी आपने वैसे तो कहा कि बहुत एडवांस्ड हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं धारणा ये भी है कि मेडिकल साइंस में लोग जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो एलोपैथी की तरफ ही जाते हैं, बाद में कि होम्योपैथी में या आयुर्वेद में ज़्यादा स्कोप नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. क्योंकि अभी तो देखो, मेरे ख्याल से मेरे पास रोज के कितने बच्चे आते होंगे एंड दे वॉन्ट टू, दे हैव सीन मी सिंस चाइल्डहुड एंड दे वॉन्ट टू बिकम होम्योपैथ. और उनकी डेली ये कोशिश रहती है. और अब तो हमारी सरकार ने कोई डिफरेंस नहीं रखा है, एग्जाम भी एंट्रेंस का एक ही होता है जी. वो नीट का एग्जाम ही देना है. सो जिसको एलोपैथी लेनी है वो उसके परसेंटेज के हिसाब से एलोपैथी मिल गई, उसके बाद होम्योपैथी ले ली. तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है जी. जो भी अपनाना चाहता है, ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ में. जब एज ए डॉक्टर आप बैठ जाते हो, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल. वेरी ट्रू. सो एक डॉक्टर का लेबल अपने आप में, अगर गवर्नमेंट आपको डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट दे रही है ना, वो भी कुछ सोच के दे रहे हैं. वो इतना आपको पढ़ा देते हैं कि आपको किसी से कम नहीं रखा हुआ आज की डेट में उन्होंने. तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है. अप्रोच मेडिसिनल सिस्टम का अप्रोच है और हर पैथी अपने आप में बहुत माननीय है. हर पैथी का अपना एक योगदान है जी. अब हम बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, हम भी मना कर देते हैं कि नहीं जी होम्योपैथी में नहीं, आप एलोपैथी इलाज कर लीजिए. कई एमरजेंसीज हैं, कोई एक्यूट कंडीशंस हैं, वहाँ में उनकी हेल्प लेनी पड़ती है. सो आज की जेत में जरूरत है जहाँ इतनी एडवांसमेंट होगी, एक इंटीग्रेटेड साइंस बनाने की, को-एग्जिस्ट करने, और कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता. ये बात भी है. आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू कोऑर्डिनेट विद द अदर्स. तो इंटीग्रेशन जहाँ आ जाएगी, एक पेशेंट का बेनिफिट बहुत अच्छा हो जाएगा. डॉक्टर अवला, एक और सवाल है. मैं खासतौर पर ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके थ्रू दर्शकों तक भी ये मैसेज पहुँचे. कई बार ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होते हैं और आप डिपेंडेंट हो जाते हैं. आप एक बार खाते हैं तो आपको लगता है खाते रहें. ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. और स्टीरोइड तो खाते रहें वाला तो सवाल ही नहीं है. बिकॉज स्टीरोइड तो इतने लाइफ किलिंग हैं, उनको कहते हैं इम्यूनो सप्रेसर. जहाँ इम्यूनिटी सप्रेसर हो जाएगी, सप्रेस कर दी जाती है, एंड स्टीरोइड बिकम अ ड्राइविंग फोर्स. जिस डिजीज का कोई इलाज नहीं वहाँ एलोपैथ, जहाँ कुछ समझ नहीं आता वहाँ स्टीरोइड प्रिस्क्राइब करते हैं जी. बिल्कुल, कि बॉडी अपना डैमेज ना कर ले तो उसको सप्रेस कर दो, कि बॉडी की इम्यूनिटी एक वर्क प्ले करती है. अब होम्योपैथी का तो सिद्धांत ही अलग है. होम्योपैथी तो सारी की सारी फिलॉसफी, ईच एंड एवरी डोज आपकी इम्यूनिटी को रेज करती है. सो होम्योपैथी में स्टीरॉइड्स का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं होता. हाँ, कुछ लोग, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, कई लोग लैब इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं नॉर्मल लैब से. अब उसमें बताना चाहूँगा उनको कि स्टीरॉयड का जो टेस्ट है और जो नॉर्मल हमारी घर में इस्तेमाल होने शुगर का टेस्ट है, ये एल्कोहल का टेस्ट है, वो बहुत लेवल तक मैच खाता है आपस में. सो लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो शुगर की गोलियां हम यूज़ करते हैं, एल्कोहल यूज़ करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए. उससे जो एक नॉर्मल रूटीन लैब टेस्ट होता है वो कंफर्म कर देता है कि इसमें स्टीरॉयड है, जबकि ऐसा नहीं है. क्योंकि वो टेस्ट नहीं है, वो वैलिड नहीं है. उसके लिए एक स्पेशलिटी, एक HPLC का टेस्ट होता है
जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसकी, और उसमें क्लियर हो जाता है कि इस मेडिसिन में कोई भी नहीं है। बहुत जल्दी आप देखेंगे स्टीरॉयड फ्री होम्योपैथी, जिसमें गारंटेड आपको सर्टिफिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे लैब एडवांसमेंट आ रही है, सो आने वाले टाइम में हर होम्योपैथिक दवाई के ऊपर एक सर्टिफिकेट होगा। डॉक्टर चावला, एक बात जो मुझे होम्योपैथी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और यही वजह है कि जब बहुत ज़्यादा पेशेंट कहते हैं यहाँ वहाँ से इलाज लेकर परेशान हो जाते हैं, तब वो उनको देखा गया है कि होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, उसके बाद बहुत खुश रहने लगते हैं, तो वो एक माइंडसेट, क्या वो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है या वो दवाइयों का है, क्योंकि ऑफकोर्स कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, और क्योंकि वो दवाइयों का भी एक एलोपैथ में जाके इम्पैक्ट पड़ता है कि कहीं ना कहीं आप परेशान होने लगते हैं। देखिए देखिए, अगर मैं अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जी अभी मैडम ने पूछा होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती है, तो ये सवाल बड़ा आता है, लोग कहते हैं मैं बड़ा हेल्दी फील कर रहा हूँ, ये जो स्टीरॉयड उन्होंने बोली ना, तो मैं बड़ा हैप्पी रहने लग गया हूँ जब से मैं आपकी दवाई खा रहा हूँ, या मैं बड़ा फिट महसूस कर रहा हूँ, कहीं आप स्टीरॉयड तो नहीं खिला रहे मुझे। तो ये एक लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब एक सिंपल एक्ने के लिए आया, अब एक्ने के पीछे हार्मोनल रिस्पॉन्सिबल है, अब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दी, उसका पूरा हार्मोनल सिस्टम रिवाइव हो गया, वो पेशेंट का चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, वो लड़की हंसने लग गई जो सैड बैठती थी, वो ठीक होने लग गई, अब एक एक्ने ट्रीट नहीं हो रहा, पूरी वो लड़की की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रही है। सो ये एक अनसेड थिंग है जो होम्योपैथ उनको गिफ्ट में देता है कि आप तो एक एक्ने के लिए आए थे, हम आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके दे रहे हैं। सो ऐसा लगता है, तो आपके क्वेश्चन में ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो आपके ऑब्जर्वेशन इस मामले में ठीक है कि लोग ऐसा पूछ लेते हैं कि जब से मैं खा रहा हूँ मैं बड़ा वेलबींग महसूस कर रहा हूँ, वो वेलबींग आती है और वो आप ओवरऑल ट्रीट होते हो, इसीलिए आती है। तो जब आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो डॉक्टर साहब कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट दरवाजे से अंदर आया और आप देखते ही समझ गए कि हाँ अब ये किस बीमारी का जिक्र करने वाला है? होता तो ऐसे ही है, जिक्र करने वाला है वो भी पता लग जाता है, एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है। अब 30 साल में इतने पेशेंट देख लिए कि वो पेशेंट की एक फोटो देख के भी काम हो जाता है, लेकिन हमारा मास्टर इस बात को मना करता है करने को। वो कहता है नहीं, बी अ डॉक्टर शुड बी अ गुड लिसनर, वो पेशेंट को बोलने दे, उससे सुने आराम से। ऑल दो हम कई बार बहुत रश में होते हैं, कुछ होते हैं, तो इस को यूज कर लेते हैं एडवांटेज अपने एक्सपीरियंस को, और रिजल्ट भी मिल जाते हैं जी। लेकिन बेसिक थ्योरी ये कहती है कि आराम से सुने और पेशेंट की पूरी मन की बात उसको बोलने दें और उसको एक मौका दें। आप लोग जान भी दिया, उसके बावजूद भी आप जो है वो कहीं प्रेजिड्यूस्ड जो है वो होना जरूरी है, तो उसके बाद जो है फिर दवाई की सिलेक्शन करें जी। सर, अगर आपने बार बार एक चीज इसका जिक्र हो रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसे आसान भाषा में समझाएं अपने दर्शकों को किस तरह से होम्योपैथी काम करता है। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है वो जानना चाहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी शक्ल से नहीं बनती सिर्फ, एक तो नेचर ने आपको फेस दिया है वो बना देगा जी। कि ये कैसी हाइड्रोजेनॉइड बॉडी है, या वाटर रिटेंशन वाले लोग हैं, इनकी बॉडी में फ्लूइड कंटेंट ज्यादा है, इनकी बॉडी में एयर, आप देखें ना आयुर्वेद में बोलते हैं वाता पिता कफ, ऐसे ही इसमें होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो शक्ल से आ जाती है। अब होम्योपैथी सिर्फ शक्ल पर ही नहीं रुकती, वो कहते हैं इस पेशेंट की आदतें कैसी हैं, ये बहुत फ्यूरियस है, ये बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, ये सैड टेंडेंसी के लोग हैं, ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, ये घबराता नहीं है। सो दैट्स हाउ एक बंदे की पूरी टोटैलिटी लेके, अब जब ओवरऑल आप उस पेशेंट की टोटैलिटी पे आप काम करते हो, सो देन यू कम आउट टू बी एन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग निकाल पाते हैं उनके, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग इतनी बेनिफिशियल होती है, शायद हर एक आदमी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने होम्योपैथ से मिलकर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो ज़रूर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपका कुछ भी अगर क्योर नहीं हो रहा तो एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग जो आपकी बॉडी की हर चीज़ को कवर करती है, सिम्टम सिमिलैरिटी पूरे मिलाती है आपकी नेचर के साथ जी। अगर वो उसकी एक डोज ले ली जाए तो आपकी कोई भी डिजीज़ रोग क्यों ना हो शरीर के अंदर वो दूर हो जाता है जी, क्योंकि वो इम्यूनिटी को इस लेवल तक ट्रिगर कर देता है, वो पूरी बॉडी पे ओवरऑल जी। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? स्वस्थ रहें, अच्छा लाइफस्टाइल बनाएं, आजकल सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से हैं, और स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस कोई सोल्यूशन नहीं है, हर आदमी को भाग दौड़ लगी हुई है, कंपटीशन बहुत लगा हुआ है जी। इससे बचें, अपना काम करें मस्त होके, और वो बस सब प्रभु छोड़ दें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर चावला, आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
सत्यप्रिया, हमने एलोपैथी की मीठी मीठी गोलियों की भी बात की थी, और क्योंकि अब हम संगीत की दुनिया में आ ही गए हैं, तो अब हम आपको मिलाते हैं हमारे अगले मेहमान से, जो कि संगीत की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम है, डॉक्टर अविनाश कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आपके जीवन के कुछ अंश इस प्रोफाइल वीडियो में। अविनाश जी, आप एक म्यूजिकल जो आपके बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो आपके फैमिली में इस तरह से कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। इनफैक्ट आपके दोनों भाई जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, आप भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे एक समय पर, तो ऐसे में म्यूजिक में अपना करियर बनाने की और म्यूजिक के लिए अपने पूरी जिंदगी को डिवोट करने के लिए आपने कब सोचा और कैसे इस सफर की शुरुआत हुई? अगर मैं सच में बताऊँ आपको, तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं जिस भारत के जिस हिस्से से आता हूँ, बिहार से, वहाँ पर पढ़ाई को लेकर बहुत चार्म है जी। लोगों का है कि पढ़ना है, अच्छा करना है। माँ बाप गरीब भी होते हैं तो सोचते हैं बच्चा अच्छा पढ़े, आईएएस बने, आईआईटी करे, इसका क्रेज़ है बहुत। तो वैसा ही हमारे यहाँ भी था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पापा अपने कॉलेज डेज में काफ़ी म्यूज़िक को लेके बहुत उनको अच्छा लगता था क्लासिकल म्यूज़िक सुनना, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि संभव मेरे पापा को पता चला कि एक बंगाली फैमिली है, और जैसा कि आपको पता है कि बंगालीज गाते बजाते ज़रूर हैं, वो अपने कल्चर को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, तो पापा से उनकी जान पहचान बढ़ी, और पापा ने फिर बोला कि तुम गाना सीखो। और ऑनेस्टली कि शुरुआत में मुझे ये फोज लगता था, बहुत मज़ा नहीं आता था, क्योंकि म्यूज़िक एक्चुअली ऐसी एक विद्या है जो बहुत बोरिंग हो सकती है शुरुआत में, खासकर जब आपने कभी कुछ सुना ही ना हो। बचपन से फिल्मी गाने, उदित नारायण, कुमार शानू को सुनने वाले को आप सडनली कहें कि आप उस्ताद राशिद खान साहब को सुनिए और भीमसेन जोशी जी को सुनिए, तो एक दिक्कत होती है। लेकिन मैं 11th के आसपास से जब म्यूज़िक में जुड़ा तो अच्छा लगने लगा विद टाइम, और मुझे अच्छे से अभी भी याद है कि मेरे पापा मेरे लिए एक कैसेट लेके आए थे उस्ताद राशिद खान साहब का, जिसमें मधुवंती और मारवा दो राग थे। अच्छा। तो वो कैसेट मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैं बताऊं आपको, कि टर्निंग पॉइंट हुआ। वो सुन के मुझे लगा कि म्यूज़िक कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं जो सोचता था कि ये म्यूज़िक है। इनिशियली क्लासिकल म्यूज़िक मुझे क्या लगता था कि मन्ना डे साहब जो गाते हैं वो क्लासिकल है, रफ़ी साहब गाते हैं वो, नो डाउट वो लेजेंड्स हैं जी, बॉलीवुड के लेजेंड्स हैं वो, लता जी जो गाती हैं वो क्लासिकल है, लेकिन एक स्टैंडर्ड धीरे धीरे धीरे, तब पता चला कि एक राग होता है जिसमें शब्द कम है लेकिन भाव ज़्यादा है। तो वही मधुवंती और मारवा को सुनते 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 इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि मेरे बड़े भैया डीयू से, उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, तो पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट है, जो कि अभी भी शायद बहुत कम लोगों को पता है कि म्यूज़िक से पीएचडी भी होती है। तो मैं यहाँ आया और हिंदू कॉलेज से मैंने म्यूज़िक ऑनर्स किया, और उसके बाद मैंने एक साल का गैप लिया, थोड़ी सी फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि दिक्कत हो रही थी मुझे। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते मैंने नेट JRF क्लियर किया, MPhil किया, फिर PhD इनरोल हुआ, और PhD करने के लास्ट ईयर में आई गेस दिल्ली विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, वहाँ पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर मैं जुड़ गया पिछले 3 सालों से जी। तो म्यूज़िक में मैं कैसे आई, अपनी जर्नी को कभी कभी अकेले भी बैठ के सोचता हूँ, या मेरे पूरे, मतलब बोलते हैं ना, फैमिली बैकग्राउंड दूर दूर तक सबको ये लगता है कि ये क्या है, क्या करता है, लोगों को लगता है कि सच में कुछ ऐसा होता है। जैसे एक बड़ा एक अजीब सा सवाल मेरे पापा मुझे बताए थे, किसी ने पूछा है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर है तो क्या इनकी सैलरी भी उतनी है जितनी फिजिक्स या हिस्ट्री वाले? तो हमारे देश में ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा है, शिव के हाथ में डमरू है, लेकिन म्यूजिक को रेस्पेक्ट नहीं है जी। आप रियलिटी शो में आ जाएं तो आपको सडनली लोग हीरो बना देते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन विद इन 5-6 months फिर हटा भी देते हैं। प्लेबैक सिंगिंग को लेकर ज्यादा अवेयरनेस है।
लेकिन वो भी बहुत शॉर्ट टर्म है, जो जो बहुत लंबे समय तक, काफी दिनों तक जिनका नाम है, चाहे मॉडर्न हो, चाहे अरिजीत सिंह हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे रफी साहब हो, नाम उन्हीं का हुआ जिन्होंने क्लासिकल में ट्रेनिंग ली. तो क्लासिकल म्यूजिक को लेके बिल्कुल अनअवेयर हैं लोग. तो अविनाश जी, अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो आपकी तालीम आपको इस सफर में किन किन गुरुओं से आपको तालीम मिली? मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मुझे सब बहुत अच्छे लोग, माँ पापा और दोनों भाइयों का तो बहुत साथ रहा, और गुरु भी मुझे शुरुआत से बहुत अच्छे लोग मिले. सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि मैंने उस्ताद राशिद खान साहब को सुना, जो कि रामपुर से हसवान घराने से बिलोंग करते हैं, तो मेरे मानस गुरु आज तक वही हैं. मैं जब भी गाता हूँ, आज भी मैं उनको सुनता हुआ आ रहा था, तो मेरे मन के गुरु वही हैं. तो शुरुआत में सबसे पहले जिन्होंने मुझे सा लगाना सिखाया, मेरी गुरु माँ श्रीमती साधना चैटर्जी, जो धनबाद में रहती हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, तो सबसे पहले उनसे सीखा. फिर कुछ टाइम तक एक पूर्णचंद्र चक्रवर्ती हैं, जो मुझे स्केल की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, गला जब कंठ बदलता है लड़के का तो स्केल मेंटेन करना पड़ता है, मुझे दिक्कत आ रही थी, तो उनकी वजह से मैं एक जेंट स्केल की तरफ सही तरीके से आ पाया, बहुत उनका एक आशीर्वाद रहा. फिर जब मैं दिल्ली आ गया यहाँ पर हिंदू कॉलेज में, तो रामपुर सहसवान मेरे जहन में था कि मुझे रामपुर सहसवान सीखना है उसकी गायकी. तो दिल्ली में उस्ताद आफ्ताब अहमद खान साहब हैं, तो सबसे पहले तो मैं रशीद खान साहब के पास यहाँ से कलकत्ता गया. एक भैया मुझे लेके गए, तो वहाँ से मुझे पता, कैसे आओगे तुम दिल्ली पढ़ोगे, कलकत्ता सीखोगे, एक बहुत ही मुश्किल काम है, रेगुलर स्टडीज़ है. तो उन्होंने बोला मेरे मामा जी रहते हैं, उनसे सीखो. तो मैं खान साहब से, उस्ताद आफ्ताब अहमद खान साहब से सीखने लगा. उनसे काफ़ी टाइम तक मैंने सीखा. उसके बाद कलकत्ता, क्योंकि मेरे घर के भी पास है और वो एक खिंचाव रहता है, तो जब मैं एमफिल में आ गया और रेगुलर स्टडीज से थोड़ा सा मैं फ्री हुआ ड्यूरिंग रिसर्च, तो मैं फिर कलकत्ता गया, ITC SRA, वहाँ संगीत रिसर्च अकेडमी, वहाँ गया. वहाँ के थ्रू मुझे बड़ा एक मेरे गुरु अभी जो हैं पंडित तुषार दत्ता जी, वो आगरा किराना घराने से हैं, और इसके अलावा पंडित सोमनाथ मरदूर, जो कि धारवाड़ से आते हैं, वो भी संगीत की भूमि है, उनसे मैंने किराना सीखा. तो इतनी मेरी तालीम रही और सीख रहा हूँ लगातार अभी भी. सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती. जी बिल्कुल, ये तो एक चलता, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, और ऐसा अथाह सागर है कि जितना डूबते जाएं उसकी गहराई और मिलती जाती है. जी बिल्कुल, कुछ सुन सकते हैं आपसे? ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा. मैं थोड़ा सा एक इस टाइम का ही राग है, काफ़ी बहुत पुराना राग नहीं कह सकते, राग प्रदीप है, तो थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको. तबला वगैरह नहीं है तो खुला थोड़ा सा ऐसा बंदिश बस. बबना बिचारो मोरा सगुन बबना बिचारो मोरा सगुन बबना बिचारो मोरा सगुन कबगर आवे मोर बियर वा बबना बिचारो मोरा सगुन बिचारो मोरा सगुन कबगर आवे मोर बियर वा बबना बिचारो जा दिन ते कि न गवन वजा दिन थे कि न गवन व राम रंग चैन नायर बबना बिचारो मोर सगुन बबना बिचारो मोर सगुन बबना बिचा बबना बिचार बबना बिचार ओ मोरा सगुना. बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत. अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी रामपुर सहसवान घराने की बात की और आप
आपका जो पीएचडी है, आपके शोध का विषय भी यही घराना रहा, तो क्यों इस घराने को चुना? क्योंकि इट्स वन ऑफ द लेसर नोन घरानास अगर देखा जाए तो। हाँ, अगर आप म्यूजिक में बात भी करें, लोगों से पूछें भी, तो आपको रामपुर का नाम बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोग कह पाते कि भाई रामपुर भी कोई घराना है जी। और ग्वालियर, किराना, आगरा, जयपुर, पटियाला, ये सब बोलते हैं, सब लोगों को पता है, रामपुर को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए कि रामपुर बहुत हद तक ग्वालियर से मिलता जुलता है। तो रामपुर मैंने इसलिए चुना, सबसे पहले तो मेरे, क्योंकि मैंने गाने की जो शुरुआत की वो रामपुर को सुन के ही किया, तो ये एक तो कारण था ही मेरा। दूसरा, जब मैं रिसर्च में पहुंचा तो रिसर्च के साथ एक होती है कोई ऐसा काम करें आप कि जिस पे पहले किसी ने काम ना कर रखा हो, रिपीटेटिव कोई रिसर्च नहीं हो सकता। तो जब मैंने देखा कि रामपुर, बहुत सारी बुक्स मैंने लाइब्रेरी में देखी जो घरानों पर लिखी है, लोगों ने किया है, तो रामपुर को किसी ने, बहुत कम बुक्स में रामपुर को एज अ घराना ट्रीट किया है। लोगों का कहना था ये ग्वालियर है, बिल्कुल ग्वालियर जैसा गाना। रीज़न ये है कि रामपुर के जो फाउंडर थे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, वो मैरिड थे, जो ग्वालियर के थे लोग, उनके लड़की से उनकी शादी हुई थी, तो काफ़ी हद तक मिलता था। लेकिन फिर भी बहुत कुछ डिफरेंट था रामपुर में, अपना एक स्टाइल था, जो उनका बीनकारी कांग या टप्पा कांग जो उनका था, जो यूज़ करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इस घराने को, जिसको सुन के मैंने गाने में इंटरेस्ट शो किया, तो पता चलना चाहिए लोगों को। तो मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उनसे भी मैंने बात की, और बहुत ही सौभाग्य था कि मेरे सुपरवाइज़र भी रामपुर से ही उन्होंने गाना सीखा था, तो वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल करो। और फिर हमारी बोर्ड ऑफ रिसर्च की मीटिंग होती है, उसमें मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने सिनॉप्सिस देखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप करिए इस पे काम। और जब मैं पहुंचा उसमें और काम किया, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आई, और थीसिस तो हो ही गई, मुझे को डिग्री भी मिल गई, और आई होप जल्दी ही उसकी बुक भी आने वाली है। रामपुर घराने से ही कुछ विशेष सुन सकते हैं आपसे? हाँ, सुन सकते हैं। रामपुर घराना जो है, मैं ये तो नहीं बोल सकता मैं रामपुर को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उतना बड़ा भी हूँ नहीं जी। लेकिन रामपुर की अपनी कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे रामपुर की मैं एक बंदिश आपको सुनाता हूँ, जो रामपुर के जो फाउंडर थे, कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए उनको डेडिकेट किया गया है, राग यमन में है वो। आओ 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 बलमा, आओ 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 बलमा, दरस बिना मोरा जिया घबराए, आओ 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 बलमा, आओ 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 बलमा, दिन बीता भई साँझ हो बन लाग रन नाई चैन, पियाई नाय जाऊँ तो व्यवहार रे, आओ 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 बलमा, आओ 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 पिया इनायत, यानी इनायत हुसैन खान साहब को डेडिकेट करके ये बंदिश लिखी गई, जो कि मुझे बहुत पसंद है ये जी। बहुत सुंदर। अविनाश जी, आजकल अगर हम शास्त्रीय संगीत की भी बात करें, तो बहुत सारा ऐसा फ्यूजन पर भी काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो ज़रूरी नहीं कि शास्त्रीय संगीत को वेस्टर्न क्लासिकल के साथ मिलाकर किया जा रहा हो, या फिर लाइट क्लासिकल म्यूज़िक के साथ किया जा रहा हो। अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें भारत में, चाहे हम दक्षिण भारतीय संगीत की बात करें या उत्तर भारतीय संगीत की बात करें, उसमें भी बहुत फ्यूजन हो रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? फ्यूज़न करना गलत नहीं है, हम खाने में भी फ्यूज़न करते हैं, हम कपड़ों में भी करते हैं, जींस पे भी कुछ लोग कुर्ता डाल लेते हैं, वो भी फ्यूज़न है, सबके अपनी चॉइसेस हैं, फ्यूज़न गलत नहीं। लेकिन फ्यूज़न मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो राग हैं या हमारे जो ताल हैं, वो बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं, आप उनके जो, उनका जो नेचर है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेरा खुद का एक ग्रुप रहा है, बैंड बोलना थोड़ा अजीब लगता है, हम खुद भी हिंदुस्तानी और कर्नाटिक को फ्यूज़ करते हैं, लेकिन हमने कभी भी राग के साथ, उसके करेक्टरिस्टिक के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया। और वेस्टर्न फ्यूज़न भी अच्छा है। एक टेंडेंसी क्या है कि लोग क्या करते हैं, सुर हिंदुस्तान के ले लिए, उसमें थोड़ा सा ड्रम डाल दिया, चार गिटार डाल दिए,
सिंथेसाइजर डाल दिया, वो फ्यूजन नहीं, बेसिकली हाँ। फ्यूजन और कन्फ्यूजन में ऐसा नहीं कर सकते आप। वो तो जी, क्या कहें, अगर आप फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज तो एक साइंटिफिक चीज है, किसी चीज को जोड़े तो अच्छे से जोड़े, ऐसा नहीं यहाँ का कोई इधर का कुछ लिया उधर का कुछ लिया जबरदस्ती जोड़ के। और क्लासिकल म्यूजिक ऐसी चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रागों को देव रूप मानते हैं कि भाई ये पूजने लायक चीज़ है, तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो चाहिए। फ्यूजन बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छा है, मैं भी काम करता हूँ उस पर, लेकिन हाँ एक सच्चाई ये है कि सोलो गाने में, अकेले गाने में, मंच पे बैठ के गाने में, और जो एक घंटे तक हम एक राग गाते हैं उसका जो आनंद है वो फ्यूजन नहीं, मुझे नहीं दे पाता। हो सकता है कुछ लोगों को आनंद आता हो, मैं पर्सनली बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ इसका। आप कविताएं भी लिखते हैं और आपकी एक किताब भी आने वाली है जो कि आपकी कविताओं का संकलन है, तो इसके विषय में कुछ बताएं। मेरे पापा, मेरी मम्मी को शरद चंद्र जी की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। आज भी मेरे से घर पे बोलती उनकी वो किताब भिजवा दो। तो पढ़ना लिखना तो था ही, हिंदी पढ़ा बचपन में, पापा चंपक नंदन देते थे पढ़ो, चंदा मामा पढ़ते थे, तो पढ़ने का शौक़ था। लिखने का शौक़ मुझे एमफिल में जब मैं आया तो मुझे लिखने का शौक़ डेवलप हुआ कि थोड़ा लिखा जाए, और वो मैं फोर्स नहीं करता कि जैसे मैं रियाज का ऐसा कभी कभी मन नहीं करता, फिर भी बैठते हैं कि नहीं भाई हमारा काम है, इसको करना है। लेकिन लिखना ऐसा है कभी कभी सडनली मुझे सूझता है तो मैं लिख देता हूँ उसको, वो सोच के नहीं करता। और ऐसे करते करते 40-50 कविताएं लिख दी, लोगों ने सराहा भी, कहा कि आप इसको प्रिंट करवाओ, तो मैं उसमें अब कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रिंट होके जल्दी बाहर आए। जी, तो आप ही की लिखी हुई कोई कविता या कोई गजल या कोई गीत जो आप हमें सुनाना चाहें? मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, मैंने कभी ट्यून नहीं किया लेकिन मुझे याद भी नहीं रहता मैंने क्या क्या लिखा, लेकिन एक ऐसे ही लिखा है बस। एक मैंने कहा था कि स्वाद जिंदगी के रह गए जुबां पे बाकी, कुछ जिस्म पे बाकी, कुछ गरेबां पे बाकी, नज़रों की अंगीठी पे जो रिश्ते पके थे, मोहब्बत की आंच पे वो बरसों रखे थे, ज़रा सा नमक था, ज़रा सी मिठास थी, इश्क की लज्जत लजीज थी, खास थी, वो खुशबू रह गई है अभी फिजा पे बाकी, कुछ जिस्म पे बाकी, कुछ गरेबां पे बाकी, पुराने खतों में मिल जाते हो हर बार, उधड़े मन को सिल जाते हो हर बार, आँखों के रास्ते बहे हो बहोगे, यादों में मेरे तुम रहते हो रहोगे, नींद में ख्वाब में जाने कहाँ कहाँ पे बाकी, कुछ जिस्म पे बाकी, उस गरेबां पे बाकी। क्या बात है, ये कलाकार के शायद बहुत आयाम होते हैं जो सच्चे हाँ। कलाकार हैं, और हर आयाम की खूबसूरती आपसे भी बात करके पता चल रही है जो आपके अंदर छिपा हुआ कलाकार है। अविनाश जी, आपका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है म्यूजिक एंड साइकोलॉजी। हाँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, वो MIT यूनिवर्सिटी में हुआ था जी। और मंच पे बोलना बहुत कम होता है कलाकार का, एक गवैया वो होता है या एक इंस्ट्रूमेंटल, वो मंच पे जाता है, राग का नाम अनाउंस करता है, समटाइम्स वो भी नहीं करता अगर अच्छी ऑडियंस हो तो, बताने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ बस ऐसे थे कि बाहर के कुछ लोग आए हुए थे जी। तो ये देखना चाह रहे थे कि जो फाइन आर्ट्स हैं उसमें, खासकर म्यूज़िक, उसका क्या असर होता है। तो MIT यूनिवर्सिटी में था, काफ़ी पुरानी बात है वैसे, तो मैंने गाया था और बहुत ही फॉरेन डेलीगेट्स थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग आए थे जिनका, तो उनका ये कहना था कि बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा। अब उस पर रिसर्च उन्होंने कितना आगे बढ़ाया, मैं उनसे टच में नहीं हूँ, लेकिन आप उनका कहना मानते था कि म्यूजिक और साइकोलॉजी के बीच कनेक्शन हाँ, कैसे रहते हैं? बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल। हमारे ऑनेस्टली बोलूँ तो इसमें लिरिक्स की भी बहुत बड़ी एक उसका रोल होता है। तो अच्छा होता है ना जब कई बार आप दुखी होते हैं हाँ। तो उस टाइम कोई आपको बोले कि अभी कुछ यार बढ़िया सा गाना सुना था, आप हाँ। उस टाइम दुखी हो, उस वक्त आपको सैड ट्यून उस वक्त पीलू ही अच्छा लगता है, उस वक्त कुछ ऐसे ही गाने अच्छे लगते हैं जी। तो साइकोलॉजी पे तो ये देखा गया, रिसर्च भी है, और खासकर मेरे डिपार्टमेंट में एक रिसर्च हुआ है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो जैसे अवसाद की अवस्था है या नींद ना आना, कई सारी कहानियाँ भी जैसे पीछे रहती हैं, कई बार बोलते हैं कहीं के राजा को नींद नहीं आती थी तो एक तबले के बनारस के कोई थे, उन्होंने तबला बजाकर उनको सुला दिया। अब ये कितना सच्चा हाँ, है कितना हाँ। झूठा पता नहीं, पर जरूर कोई ना कोई प्रभाव तो होता ही है, और ये हम सब अपने जीवन में महसूस करते हैं। अच्छा, आपसे कुछ सुन सकते हैं, कोई गजल या कोई भजन? मैं एक आपको एक ठुमरी सुनाता हूँ, बहुत फेमस हुई आजकल, शायद आपको अच्छा लगे, याद पिया की आए। आहा, क्या बात है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो जी। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने
जब चली सर्द हवा दिल ने तुझे याद किया, याद पिया के आए आए, याद पिया के आए आए, ये दुख सहना जाए ये दुख सहना जाए, हाय राम याद पिया के आए। बरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियरा जलाए, के पी बिन रन न जाए, हाय राम याद पिया के आए आए आए, याद पिया के याद पिया के याद पिया के आए। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आपका सफ़र जो है, जैसे आपने अपने सफ़र के बारे में बताया, अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी छात्रों को म्यूज़िक पढ़ा रहे हैं, आने वाले जीवन में आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या हैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत को लोगों तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ एज अ फ्यूचर या एज अ करियर नहीं, क्योंकि मुश्किल है वो, थोड़ा मुश्किल ना भी हो तो थोड़ा खिंचता है ये काम, बहुत जल्दी नहीं आ पाता। लेकिन म्यूज़िक, जैसे मैंने देखा है स्कूल्स में नहीं है हर जगह म्यूज़िक, अदर सब्जेक्ट्स हैं, आप हिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ्स को, मैं तो खुद साइंस का स्टूडेंट रहा तो मुझे आज भी बहुत इंटरेस्ट है, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूज़िक अपने आप में बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है जो और संस्कृति को सहेज कर नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरी बात है, जैसा आप कह रहे हैं मैथ, साइंस, फिजिक्स सब मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स कहलाते हैं और ये एक्स्ट्रा करिकुलर, व्हिच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। और मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर क्यों, आप इसको करके देखिए, कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें आप गाना ही चलाते हो। हाँ, बिल्कुल। आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कुछ होता था, आप क्या करते हो, आप गाना ही चलाते हो। लेकिन एक जो धारणा बन गई है, क्लासिकल म्यूजिक बोरिंग होगा, क्लासिकल म्यूजिक स्लो ही होगा, यार ये तो समझ नहीं आ सकता। एक धारणा है जिससे कोई निकलने को राजी नहीं, और शायद वो बात है ना कि फॉरेन में लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, और इसका मुझे लगता है एक कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो वहाँ के लोगों को ये अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों को वो अच्छा लगता है, मन की शांति तलाशते हैं, सुकून तलाशते हैं, वही है शास्त्रीय संगीत। हाँ, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा चीज़ें खराब हो रही, तो मेरा फ्यूचर ऐसा है कि मंच पर गाना मेरा हमेशा मेरी पहली प्रायोरिटी रही है, और अभी तो बहुत बच्चा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, 30 साल का ही हूँ, और संगीत में और बोलते हैं पॉलिटिक्स में लोगों के जब बाल पकते हैं तो वो जवान होते हैं जी, तो अभी तो बहुत बच्चा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आगे बढ़ूँ, तो मंच पर गाना और संगीत की जितनी सेवा हो पाए, जितना बच्चों को सिखा पाऊँ जी, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो या जैसे भी हो, वो लोगों तक तो जो भी आप चाहते हैं, आपकी सभी जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो सब फुलफिल हों, आप नए नए मकामों को रोज छुएं, और बस यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, और आपके आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो गुड इवनिंग इंडिया के आज के इस अंक में बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये अंक हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com। और अगले हफ्ते ऐसे ही किन्हीं और विशेष मेहमानों के साथ आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए मुझे और सत्यप्रिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।